हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज यार हम लोग यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं करने वाले। आज गाइस मैं आपके एक यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, जो यार मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं इस वाली प्रॉब्लम के। लोग पूछते हैं मेरे से कि यार भैया हम कैसे बाय करें माइनक्राफ्ट को, हमारा तो कार्ड ही काम नहीं करता, हम इंटरनेशनल पेमेंट ही नहीं कर पाते, हमारे कार्ड के अंदर इंटरनेशनल पेमेंट का ऑप्शन ही ऑन नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। एंड इसके साथ साथ में गाइस और ऐसे कमेंट भी आते हैं कि यार बहुत एक्सपेंसिव है माइनक्राफ्ट, लाइक $30 का है, तो यार कैसे सस्ते में इसको बाय करें। तो ये सारी प्रॉब्लम गाइस आपकी आज सॉल्व हो जाएगी इस वाली वीडियो के बाद में। एंड आपको यहाँ पे कोई कार्ड वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना, सबसे सिंपल मेथड जो है ना वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी सबसे कम प्राइस के अंदर। तो गाइस यार माइनक्राफ्ट को बाय करने के लिए आप जाते हो उसकी वेबसाइट के ऊपर, एंड यहाँ पे जाने के बाद में इस पे क्लिक करते हो, तब आपको चलता है पता कि यार माइनक्राफ्ट तो यहाँ पे पूरे 30 USD का है। अब 30 USD का मतलब हो गया हमारे इंडिया के हिसाब से पूरे 2500 रूपए, यानी कि 2500 रूपए, जो कि यार थोड़ा एक्सपेंसिव साइट के अंदर आता है। एंड यार ये पे करने के बाद में आपको मिलता है यहाँ पे माइनक्राफ्ट का जावा एडिशन, प्लस आपको मिलता है यहाँ पे बेडरॉक एडिशन, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत ही हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे बाय कर सकते हो ये सेम पैक, जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं दोनों एडिशन, यानी कि जावा प्लस बेडरॉक, वो भी सिर्फ वो सिर्फ 1350 रूपए के अंदर। ये अभी तक का सबसे कम है मार्केट में, 1350 रूपए लाइक क्या ही होते हैं भाई माइनक्राफ्ट के लिए। तो यार उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे एक वेबसाइट पे, जो कि इंडियन वेबसाइट है, जिसका नाम है gamekeys.in। वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे पिंड कमेंट में, एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो यार इस वाली वेबसाइट पे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे यार थर्ड नंबर का जो टैब है माइनक्राफ्ट, इस पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद में आप देख सकते हो आपके पास में बहुत सारे माइनक्राफ्ट यहाँ पे ओपन हो गए हैं। तो आपको यार यहाँ पे फर्स्ट वाले को बाय करना है, जिसका नाम यहाँ पे है हमारा माइनक्राफ्ट जावा इन बेडरॉक एडिशन पीसी टर्की एडिशन, जो कि यहाँ पे 1500 रूपए का दिखा रहा है। अब इसका नाम यहाँ पे टर्की लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके इंडिया में काम नहीं करेगा, ये 100% इंडिया में काम करने वाला है। एंड इसको बाय करने से पहले अगर आपके मन में हल्का सा भी डाउट है, तो आप इनसे यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हो, एंड आपके जो भी डाउट होगा गाइस ये लोग आपका क्लियर कर देंगे। तो यार जल्दी से हम लोग इसको बाय कर लेते हैं, तो क्लिक करते हैं इसके ऊपर। तो यार यहाँ पे रेट दिखा रहा है 1500 रूपए, लेकिन अभी थोड़ी देर में गाइस इसका रेट कम हो जाएगा 1350 रूपए का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एंड इसको यहाँ पे बाय करने के बाद में ये लोग आपको सेंड करेंगे आपके ईमेल के ऊपर एक रिडीम कोड, जो आपको यहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अकाउंट पे। अब वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे बाय इट नाउ के ऊपर। तो इस वाले पेज पे आने के बाद में गाइस आपके सामने एक फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, जो आपको फिल करना है। तो फर्स्ट पे है यहाँ पे कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट के अंदर गाइज आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी या तो आपका फोन नंबर डालना पड़ेगा। तो यार कॉन्टेक्ट वाले टैब के अंदर आप जो भी फिल करोगे उसी के ऊपर ये लोग आपको रिडीम कोड सेंड करने वाले हैं, तो सोच समझ के यहाँ पे फिल करना, ठीक है। हो सके तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेना, मैं भी अपना ईमेल ही यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ईमेल डालने के बाद में गाइज अब यहाँ पे नीचे तो यार नाम वाम डालना है, एड्रेस वेड्रेस, तो ये सब फिल करने के बाद में लास्ट में यहाँ पे फोन नंबर डाल के अब यहाँ पे यार पेमेंट कंटिन्यू करने से पहले साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है कूपन कोड का ऑप्शन। तो यार यहाँ पे आप यूज करना BR10, तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 10% ऑफ। तो 10% ऑफ होते गाइस आपका ये हो जाएगा 1350 रूपए का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू टू पेमेंट, तो अब आपको यहाँ पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। एंड नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे QR कोड खुल जाएगा। अब आप अपने किसी भी UPI ऐप का यूज करके यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो आपके पास में पेटीएम है, गूगल पे है, कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म है UPI वाला, तो उसके थ्रू आप पेमेंट कर लेना। तो यार मैं जल्दी से पेमेंट करके आपसे मिलता हूँ। Eventually. तो यार पेमेंट करने के 10 से 15 मिनट बाद मेरे को यहाँ पे इनका मेल आ चुका है। मैक्स टू मैक्स ये लोग 1 से 1.5 घंटा लेते हैं आपको मेल करने में, अगर इनके इंप्लॉइज बिजी हैं तो। बाकी तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर मिल ही जाएगा। तो यार रिडीम कोड तो आ गया, लेकिन अब इसको रिडीम कैसे करना है, तो उसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे फुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरे स्टेप लिखे हुए हैं, तो हमको सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था कि ये वाला टर्की वर्जन है, तो यार इसको यहाँ पे रिडीम करने के लिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा VPN का। तो यार VPN का लिंक इन लोगों ने हमको प्रोवाइड किया है, तो हम लोग सीधा अर्बन VPN पे क्लिक करते हैं। एंड सीधा आपको यहाँ पे फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाने के बाद में इंस्टॉलर को ओपन करके सीधा नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना पड़ेगा।
इंस्टॉल यहाँ पे हो जाने के बाद में आपको फिनिश करना है। फिनिश करते ही अपने आप ओपन हो जाएगा। देन ऊपर सर्च बार में आपको टर्की यहाँ पे टाइप करके इसको कनेक्ट कर लेना है। एंड एक बार यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि स्टेटस कनेक्टेड, इसका मतलब कनेक्ट हो गया है। देन आपको जाना है आपकी मेल के ऊपर वापस से। एंड इस बार आपको सेकंड वाला लिंक यहाँ पे ओपन करना है। तो यहाँ से गाइस आपका जो माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन वाला पोर्टल है वो खुल जाएगा। एंड अब आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आपके पास में अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ईमेल से हो जाता है वो क्रिएट। इसके बाद में गाइस आपका ये वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा है रिडीम योर कोड। एंड नीचे गाइस जो यहाँ पे 25 करेक्टर बॉक्स है, इसके अंदर आपको यहाँ पे जो आपका रिडीम कोड है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो यार कोड कॉपी करने के बाद गाइस ये वाला कोड आप यहाँ पे डाल के भी क्लेम कर सकते हो। और अगर चाहो तो यार अपना माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर ओपन करके ऊपर टॉप पे प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करके थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है रिडीम योर कोड, तो आप यहाँ पे भी गाइस वो सेम कोड डाल के रिडीम कर सकते हो अगर आपकी सेम आईडी यहाँ पे ओपन है तो। पर फिलहाल के लिए यार मैं यहाँ से नहीं कर रहा, अपन चलते हैं वापस से गूगल क्रोम पे। एंड जहाँ पे आईडी लॉगिन करी थी वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं इसको। पेस्ट करने के बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये दिखा रहा है कि आपको क्या मिलने वाला है इस वाले कोड से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, माइनक्राफ्ट साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसके बाद करना है आपको यहाँ पे कंफर्म। कंफर्म करते ही गाइस आपका जो माइनक्राफ्ट है आपकी लाइब्रेरी में आ चुका है। तब इसको चेक करने के लिए आपको जाना है आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। एंड ऊपर यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है आपको माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट टाइप करने के बाद में आप देख सकते हो गाइस माइनक्राफ्ट के सामने लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे ओन्ड, यानी कि हमारे पास आ चुका है भाई। मतलब कि यार 2500 रुपए का गेम मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1350 रुपए के अंदर बाय कर लिया। एंड यार मेरे को दोनों वर्जन मिल गए, बेडरॉक प्लस जावा। भाई कमाल की वेबसाइट है, सही बता रहा हूँ। तो यार यहाँ पे गेम रिडीम करने के बाद में अब आप चाहो तो यहाँ पे अपना वीपीएन हटा सकते हो। तो वीपीएन को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना, और चाहो तो आप यहाँ पे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो वीपीएन को। तो अब यार माइनक्राफ्ट को यहाँ पे खेलने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे माइनक्राफ्ट का लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यार मैंने ऑलरेडी उसको डाउनलोड किया हुआ है। तो यार डाउनलोड करने के बाद में उसको ओपन करना है। देन आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से जिसके ऊपर आपने गेम अभी रिडीम किया है। देन यहाँ पे गेमर टैग का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हो जो भी आप चाहते हो। फिलहाल के लिए यार मैं यहाँ पे टायर्ड मेपल डाल देता हूँ जो ये मुझे शो कर रहा है। देन करना है आपको नीचे यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक, देन वापस से क्लिक करना है। तो इसी के साथ रेडी है हमारा लॉन्चर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस हमारे जावा वर्जन के अंदर भी प्ले का साइन आ रहा है, एंड हमारे बेडरॉक के अंदर भी आ रहा है, यानी कि दोनों वर्जन हमको मिल चुके हैं। तो फटाफट से यार जावा वर्जन को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यार नई आईडी तो ये यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो यार फटाफट से यार कुछ भी डाल देता हूँ, ट्रिगर बियर डाल देता हूँ। अब चलते हैं करते हैं इसको प्ले। तो आप देख सकते हो गाइस ये ओपन हो चुका है, एंड मेरे जो पुराने सेव फाइल थी सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। फटाफट से एक वर्ल्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यार वर्ल्ड तो ओपन हो गया है, लेकिन मेरी स्किन यहाँ पे चेंज हो गई है, क्योंकि यार रैंडम स्किन आ गई है कोई भी। पर कोई बात नहीं यार, ये तो अपन लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यार ये 100% वर्क कर रहा है। तो यार माइनक्राफ्ट जावा तो देख लिया, अब चलते हैं बेडरॉक की तरफ और देखते हैं यार क्या वो भी ओपन होता है या फिर नहीं। तो भाई बेडरॉक ओपन करके देखते हैं फटाफट। तो भाई लोडिंग हो रही है, एंड भाई ये भी ओपन हो गया है। इसका मतलब यार 1350 रुपए के अंदर दोनों वर्जन मिल चुके हैं यार। एंड यार ये वाला अकाउंट गाइस मैंने मेरे दोस्त के लिए बाय किया है। काफी लकी है वो कि उसको 1350 रुपए में मिल गया माइनक्राफ्ट। जब मैंने खुद के लिए बाय किया था आज से एक साल पहले, तब मैंने यार ऑलमोस्ट 26 यहाँ पे USD पे किए थे, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 रुपए के आसपास। उस टाइम मुझे पता होता है इस वाली वेबसाइट के बारे में, तो यार मैं अपने काफी पैसे बचा लेता। तो इसलिए यार मैं आपको बोल रहा हूँ कि गाइस अगर आप सोच रहे हो यार माइनक्राफ्ट बाय करने का अभी या तो फ्यूचर में, तो गाइस इस वाली वेबसाइट से बाय करना, आपके काफी पैसे बच जाएंगे। मेरा कूपन कोड यहाँ पे यूज करना BR10, तो उससे आपको यहाँ पे 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस आई होप मैंने आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दी जो मुझे इतने सारे कमेंट आते थे। बाकी यार वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए